नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े तमाम ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए हैं। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे रियल एस्टेट से जुड़े विभिन्न पहलुओं की और जानेंगे कई जरूरी सवालों के जवाब सॉलिटेयर वैली प्रयागराज के फाउंडर एंड चेयरमैन मयंक जायसवाल से, जो क्षेत्र में लंबे समय से हैं। एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका स्वागत है मयंक जी। नमस्कार। मयंक जायसवाल जी, कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नुकसान की गुंजाइश ना के बराबर होती है। ऐसे में हमें बताइए कि प्रयागराज में रियल एस्टेट सेक्टर अब तक कितना मुनाफे का सौदा रहा है? देखिए, इफेक्ट तो कोविड-19 का सब पे पड़ा है, हर इंडस्ट्री में पड़ा है। लेकिन जब आप बात करते हैं रियल एस्टेट का, स्पेसिफिकली अगर आप बात करते हैं छोटे शहरों का, छोटे मतलब शहर जैसे प्रयागराज है या आप बात करें वाराणसी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट में पड़ा है, क्योंकि जो हमारे बायर्स हैं वो इन्वेस्टर्स नहीं है। उल्टा जो इन्वेस्ट इधर उधर करते थे, बाहर करते थे, वो अपने शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डेवलपमेंट इन शहरों में बहुत ज़्यादा हुआ है। मयंक जी, एक आम इंसान जो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे आप क्या सलाह देंगे? साथ ही सही प्रॉपर्टी का चयन करते वक्त किन सावधानियों को बरतना चाहिए? पहले चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज थी, आदमी को किसी की ओनरशिप देखनी होती थी, उसके लिए वो 10 बार जाए तहसील पता करे। अब सब चीज़ें ऑनलाइन है, ओनरशिप आपके लिए बहुत ईजी है पता करना, आप ऑनलाइन खोलोगे पता लग जाए। फिर आप बात करो, रेरा आ गया है हमारे रियल स्टेट के लिए, तो रेरा में क्या है कि वही प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं जिनके पेपर्स परफेक्ट हैं, जिनके अप्रूवल्स हैं, बैंक अप्रूवल्स हैं, उसके बाद ही होते हैं। तो क्लाइंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रेरा देखे, रेरा की वेबसाइट खोल के लॉग इन करके वो नंबर डाल दे, जो नंबर है रेरा का नंबर है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल आ जाए। तो ये बस दो तीन चीज़ें हैं जो क्लाइंट्स को देखना चाहिए। फर्स्ट इज रेरा नंबर, बैंक से कितने अप्रूवल्स हैं, कितने बैंक ने अप्रूव करके रखा है। इन चीजों को रखेंगे तो अब फंसने की संभावना ही नहीं है पहले की तरह। प्रयागराज में रियल एस्टेट के मद्देनजर किस प्रकार की संभावना देखते हैं? क्या एक बड़े बदलाव की जरूरत है? बच्चों को छोड़ के हर आदमी, अगर देखिए हस्बैंड वाइफ सब काम कर रहे हैं, इवन ग्रैंडफादर किसी के हैं तो वो भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो आदमी अब ये चाहता है कि एक सिक्योर सोसाइटी हो जिसमें सब तरह की फैसिलिटी हो। जैसे जो टाउनशिप हम डेवलप कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करिएगा, दिस विल बी द फर्स्ट टाउनशिप ऑफ एंटायर सिटी। मैं तो समझता हूँ 2-4-6 जिले में नहीं होंगे जिसी टाउनशिप के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हम सिनेमा हॉल भी लेके आ रहे हैं। तो आदमी को एंटरटेनमेंट के साथ साथ सब कुछ की फैसिलिटी उसी टाउनशिप में मिलेगी। तो ये बदलाव हर एक रियल एस्टेट डेवलपर को लाना पड़ेगा। मयंक जी, आपने एक फ्रंट लाइनर की तरह एक मिसाल कायम की है, आपने सभी कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया है, तो अब आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक ऐसी स्टेज थी आदमी को साइकोलॉजिकली, उसमें भी मैं अपने स्टाफ को मोटिवेट करता था, और फेज वन में जब स्टाफ फंस गए थे सब, तो उनको जिस भी तरीके से, चाहे सैलरी के रूप में, कोई सैलरी रोकना नहीं, इस तरह से जो मुझे संभव पड़ा था मैंने किया। लेकिन दिस इज फाइनेंशियल से ज्यादा ये फाइट है मेंटल, मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्टेजेस और भी आएंगे। आप प्रयागराज की पहली प्रधानमंत्री आवास योजना कर रहे हैं, ऐसे में आप अपना अनुभव साझा करें। देखिए, स्कीम गवर्नमेंट की बहुत डायनेमिक स्कीम थी, इसमें गरीबों को 2 लाख रुपए में आवास दिया जा रहा था। इस स्कीम में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमको भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फैसिलिटीज मिली है। तो इस तरह की मैं सब बिल्डर्स को कहना चाहूँगा कि हर बिल्डर को इस तरीके की प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है। मयंक जी, मौजूदा दौर में जहाँ ज्यादातर बिल्डर शहरी क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, वहीं आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए द्वाबा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं कुछ समय पहले अशोक नगर गया था, मेरे एक मित्र अभिषेक महेश्वरी जी उनके घर, तो मैंने देखा कि वो सबसे हाई एंड और मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरिया है। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि इतना ज्यादा कंजेस्टेड, सामने दुकानें, अनऑर्गेनाइज लोग खड़े हुए हैं क्योंकि इतनी शॉप्स खुल गई हैं। फिर दिमाग में आया है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइज बड़ी टाउनशिप दी जाए जहाँ पे आदमी को सिनेमा देखने के लिए बाहर ना जाना पड़े, एजुकेशन के लिए बाहर ना जाना पड़े, ऑल द मेडिकल के लिए बाहर ना जाना पड़े, सब फैसिलिटी उसी टाउनशिप में रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस टाउनशिप को डेवलप किया है। मयंक जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़कर आपने रियल एस्टेट से जुड़ी जरूरी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अहमियत इस बात की नहीं कि आप